बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं एन न्यूज़, मैं हूं तिहाम आज़म। खबर नगर के आगाज पर रुख करेंगे गुजरात का, जहां नैब ने पुलिस के आला अफसरान के खिलाफ घेरा तंग कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मिर्जा अवैस बेग। गुजरात पुलिस करप्शन केस के मेगा स्कैंडल में नैब की तहकीकात सामने आ गई। नैब तहकीकात के मुताबिक शहदा के फंड, पुलिस इन्वेस्टिगेशन फंड, रिटायरमेंट फंड में से डीपीओज, एसएसपी, एसपी गुजरात के निजी होटल में रक्सो सुरूर की महफिलें सजाते रहे और काफ़ी हाउसेज में पार्टीज भी करते रहे। अकाउंटेंट रिजवान अशरफ के मुताबिक आला अफसरान नाचने वालियों, गाना बजाने वालियों को कौमी हजाने से रकूम मेरे जरिए ही मुंतकिल करते रहे। साबिक डीपीओ गुजरात सोहेल जफर चट्ठा ने 25 से 30 लाख रुपये जाती घर की तजीनों आराइश पर लगाए। एसएसपी राय जमीर, साबिक आईजी शोकत जवेद को 50,000 महाना कौमी हजाने से अदा करते रहे। नैब हिरासत में तफ्तीश के दौरान अकाउंटेंट रिजवान अशरफ ने बताया कि हर डीपीओ का सरकारी हजाने से रिश्वत की मद में महाना लाखों रुपए फिक्स था। अकाउंटेंट रिजवान अशरफ ने तहकीकात में इंकशाफ किया कि गुजरात के सबका डीपीओ राय एजाज ने 12 लाख रुपए पेट्रोल की मद में बतौर रिश्वत महाना वसूल की। जफर चट्ठा ने साबिक डीआईजी अहमद मुबारक को सरकारी गाड़ियां भी अलाट किए रखी। सुहेल जफर चट्ठा के भाई को 1.5 लाख महाना, बीवी को 2 लाख महाना और खुद 2 लाख रुपए महाना जेब खर्च सरकारी हजाने से ही वसूल करते रहे। गुजरात से पैसे पिंडी बटियां लाए जाते, बैंकों में मुंतकिल किए जाते और जरिए इनकम जाहिर की जाती। बात करें कामरान मुमताज की, तो कामरान मुमताज 3 महीने डीपीओ रहे। इस दौरान मैंने उनको भी 25 लाख रुपए अदा किए। कामरान मुमताज की बीवी 50,000 महाना कौमी हजाने से ही अदा किए गए। एसी गुजरात नूरुल ऐन को पुलिस की गाड़ी बतौर सिक्योरिटी भी दी गई। मरूफ महंगी काफ़ी शॉप पर पार्टीज पर अखराजात भी पुलिस फंड से ही किए गए। डीपीओ सुहेल जफर चट्ठा ने अमेरिका में वीज़ा फीस का 2,60,000 भी पुलिस फंड से अदा किया। राय एजाज ने धरने की आड़ में कंटेनर पकड़ने की मद में 21 लाख रुपये बिल पुलिस फंड से ही हड़प किया। डीपीओ सुहेल जफर चट्ठा और कामरान मुमताज पर बिल पर जैली दस्तखत करते रहे हैं। मजकूरा शख्सियात को जैली दस्तखत करने के माहिर हैं। 24 नवंबर 2016 को सुहेल जफर ने मुझको से मारने की भी धमकी दी। मुझे रबोश होने के लिए भी कहा गया। मेरी जान बख्शने के लिए भी 45 लाख रुपए वसूल किए गए। अकाउंटेंट रिजवान अशरफ के मुताबिक अकाउंट ब्रांच के रमीज की प्रॉपर्टी भी जालसाजी से बेची के हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि साबिक डीपीओ राय जमीर ताहाल मफरूर हैं। साबिक डीपीओ सुहेल जफर चट्ठा कबल गिरफ्तारी जमानत पर हैं। मिर्जा अवैस बेग, एएनएन न्यूज़, गुजरात। खबर शामिल करेंगे दुनियापुर से, जहां नवाही गांव 23M में 8 साल बच्ची अरूज फातिमा के साथ ओबाश नौजवान की ज्यादती। डीपीओ के हुक्म पर मुलजिम गिरफ्तार। रिपोर्ट करें शहबाज अकमल बलोच। जी बिल्कुल, दुनियापुर के नवाही गांव 23M में 8-9 साल बच्ची अरूज फातिमा के साथ ओपाश नौजवान मोहम्मद अज़र ने मुबैना तौर पर ज़बरदस्ती ज्यादती की है, जिसमें बताया जा रहा है कि पहले बिरादरी पंचायत में मामला दबाने की कोशिश की गई, लेकिन बात ओपन होने पर बच्ची के वालदैन थाना सदर दुनियापुर पहुंच गए, जिस पर पुलिस हरकत में आ गई। बच्ची के वालिद अब्दुल खालिक की मुदैयत में मुबैना मुलज़िम मोहम्मद अज़र के ख़िलाफ़ न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया है, बल्कि मुलज़िम मोहम्मद अज़र को फौरी तौर पर गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। इधर डीपीओ लोधरा सैयद करार हुसैन शाह, डीसीओ लोधरा सैयद इमरान कुरैशी और ज़िलाई फोकल पर्सन चाइल्ड प्रोडक्शन कायनात अरसलान ने भी इस वाक़े का नोटिस ले लिया है। डीसी लोधरा की हदायत पर मुतासरा बच्ची का मेडिकल भी कराया जा रहा है, जबकि इधर डीपीओ लोधरा सैयद करार हुसैन ने मकामी पुलिस को हदायत की है कि फौरी तौर पर मुलज़िम का चलान मुकम्मल करके मुलज़िम को सज़ा दिलाने में अपना कानूनी किरदार अदा किया जाए। इधर चाइल्ड प्रोडक्शन फोकल पर्सन कायनात अरसलान ने मुतासरा बच्ची अरूज फातिमा के वालदैन से मुलाकात की है और इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए हर किस्म की यकीन दहानी कराई है, जबकि मुतासरा बच्ची के वालदैन ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से फौरी तौर पर इंसाफ दिलाने का मुतालबा भी किया है। जी, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की गफलत और लापरवाही की वजह से पिशावर जीटी रोड बेट 4 पे आए रोज हादसात में इजाफा होने लगा। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से आमिर शहजाद भट्टी की इस रिपोर्ट में। बीट 4 संगजानी के मकाम पर गलत साइड से आने वाले रक्षे की गैर कानूनी रोड क्रॉसिंग की वजह से अमजद सकना हरिपुर जान की बाजी हार गया। हादसा के सबब एक और घर कचरा गुल हो गया। जैसा कि संगजानी अंडरपास, जो कि पैदल रोड क्रॉसिंग के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया है, लेकिन गलाजत और गंदगी की वजह से आवाम का गुजरना दुशवार है। इंतजामिया की अदम तवज्जा की वजह से सफाई सुथराई का फुकदान है, जिसकी वजह से शहरियों को मजबूरन रोड ऊपर से क्रॉस करना पड़ रहा है और तेज़ रफ्तार ट्रैफिक की जद में आकर हादसा का शिकार हो
रहे हैं। चिंची रक्षा और लोकल गाड़ियों ने रॉन्ग क्रॉसिंग अपना मामूल बना रखा है, जिसका मोटरवे पुलिस के सर्कल इंचार्ज DSP नदीम गोल को अवामी हलकों और मीडिया नुमाइंदों की तरफ से मुतअद्दिद बार आगाह भी किया गया, लेकिन DSP नदीम गोल ने फर्जी कार्रवाई तो कर दी, कोई खास एक्शन न लिया। एक तरफ NHA एंड मोटरवे पुलिस रोड हादसात को रोकने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, जबकि दूसरी जानब संगजानी टूल प्लाजा पर मोटरवे पुलिस मोटरसाइकिल और हैवी ट्रैफिक के भारी भरकम चलान धड़ा धड़ काटने में मसरूफ अमल नजर आते हैं, जिनको ना तो आवाम की कीमती जानों के हादसात से बचाव की कोई परवाह है और ना ही ट्रैफिक कानून से शहरियों को आगाही की कोई मुहिम चलाने की फिक्र। आवाम ने अरबाब अख्तियार से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरामैन तनवीर के साथ आमिर शहजाद पट्टी, ANN न्यूज़, इस्लामाबाद। रुख करेंगे लियाकतपुर का, जहां मुहर्रम उल हराम में अमन अमान के क्याम के लिए दूसरे रोज भी फ्लैग मार्च किया गया, जिसकी कयादत असिस्टेंट कमिश्नर DSP ने की। मजीद जानते हैं शाहिद खान की इस रिपोर्ट में। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन और अमान के क्याम के लिए तहसील भर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। फ्लैग मार्च असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर अल्लावाला चौक, खानबेला, अलाहाबाद, तरंडा मामलपना, जनपुर, खानबेला से होकर DSP ऑफिस इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च में पाक आर्मी पुलिस रेस्को ने शिरकत की। फ्लैग मार्च का मकसद मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन और अमान क्याम और अवाम को एहसास तहफ़ दिलाना है और SSPs पर अमल करने के लिए अवाम को आगाह करना था। जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से साहिवाल में वकला, ताजरों, सनतकारों और पार्टी अहदेदारों की मुलाकात हुई है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे माहर शौकत की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, दौरा साहिवाल के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उस्मान बुज़दार ने कहा, हर शहर का दौरा करके तरक्याती मनसूबों पर पेश रफ्त का जायजा ले रहा हूँ। फलाह आमा के मनसूबों को मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। मनसूबों के तरमियाती कामों में आला मियार पर कोई समझौता नहीं होगा। साहिवाल को मोटरवे लिंक करेंगे समुद्री इंटरचेंज से तक रफ्ता सड़क तमीर की जाएगी। इस मनसूबे पर अमल दरामद के लिए मुतलका अदारों से फौरी रब्ता करेंगे। वकला और सहाफ़ियों के लिए हर डिवीज़न में कलोनी बनाएंगे और रिंग रोड की जल्द तकमील जो है वो अमल में लाई जाएगी। इस ज़मन में तरजीह बुनियादों पर फंड्स दिए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर साहिवाल की अब ग्रेडेशन का भी ऐलान करेंगे। हस्पताल में इलाज मुआलजे की सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जाएंगे। साहिवाल के हस्पताल और मेडिकल कॉलेज को इजाफी फंड दिए जाएंगे। शहर की सड़कों की तमीर मरम्मत का काम जो है वो जल्द मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम का इफ्तिताह भी किया। जी, खबर नगर से फिलवक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ANNHT.TV, क्योंकि बाखबर पाकिस्तान ही हमारा नस्बुल ऐन है। इसी के साथ हम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निकेबान।